Round one. इतने रखना है बस. Round two. Final round. नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. मेरा नाम अमन और संडे के सारे रिचुअल्स करके जो अभी इससे पहले करे थे अपन हो गए फ्री. आज है 3 तारीख और आज है रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे बुलेट 350 2023 का लॉन्च. तो उन्होंने बुलाया है तो जाना पड़ेगा. अभी थोड़ी देर में तैयार होकर वहीं चलते हैं. 11:30 बजे बुलाया है और कुछ काम है नहीं आज. संडे है, संडे मना रहे हैं. साथ में बहुत सारे दोस्त भी जा रहे हैं. जिस जिससे बोला कि लॉन्च पे चलना है सबने हाँ बोल दिया. तो लॉन्च के लिए शायद हम 5-6 लोग जाएंगे. ठीक है, संडे पे सभी बोर होते हैं, इससे अच्छा लॉन्च देख आएंगे. चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे. अपना आ रहा हूँ मैं, आ रहा फ्लिपकार्ट से ना आ रहा हूँ. मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना. पार्सल आ गया. परफ्यूम्स चले भैया गाड़ी के शोरूम पे. लेकिन उससे पहले कालू भाई को उठाना है घर से. भैया शोरूम क्या खड़ी है शोरूम की. SX50 SX ही बोलते ना, ये बी स्ट्रॉन्ग बोलते. सॉरी, इन्होंने ना दोनों को खड़ी करी है. एक मैट ब्लैक है इसमें टॉप मॉडल और एक ये वाली है सादा वाली स्टैंडर्ड. अच्छा उल्टा हो गया है. जो गाड़ी है ना ये गाड़ी स्टैंडर्ड थी पहले, सस्ती आती थी. इलेक्ट्रा महंगी आती थी, अब इलेक्ट्रा सस्ती है स्टैंडर्ड महंगी है. वही कर दिया. उठाओ पड़ता है इसका यार. का ये वाला मॉडल बहुत अच्छा लगता है एकदम. ये पूरा क्लासिक, मतलब ये क्लासिक दिखती है. ये क्रोम एलिमेंट है गंदे. अरे इनके साथ पता क्या है, साफ करते रहे चूना घिसते रहे चूना घिसते. बड़े बड़े यूट्यूबर आए भाई साहब. आ रही है 280 की, जबकि ये पुरानी है. BS6 नहीं है, नहीं ये BS6 है. BS6 फेस 2 वाली नहीं है ये. इसमें E20 नहीं डलता. और इसमें अब E20 में तो क्या क्या है, ये स्विच गियर सारे चेंज हो जाएंगे इसके, नए वाले आ जाएंगे. आगे LED हेडलाइट आ जाती है, बहुत सारे चेंज है इसमें. मैंने कहा इस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया वाली. कह रहे डिस्काउंट नहीं है सर कुछ भी. 370 सॉरी. ये गाड़ी सिर्फ आवाज़ के लिए पसंद है. इनमें से हेलमेट कौन सा ले, ये तो सादा वाला देंगे. मैं सोच रहा हूँ अच्छा हेलमेट ले लूँ. अच्छा ले मैं लूँगा तो हाफ वाले फुल वाला. इस बुलेट पे अच्छा नहीं लगेगा मान लो, ऐसी बुलेट वगैरह थोड़ा वो स्पोर्टी लुक. ये लोग इस टाइप का देते हैं, जे वाले देते हैं शायद. ये सही लग रहा है, ये सब ब्लैक मैट मिल जाए कुछ. नहीं ये वाला सबसे बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है ना. इस टाइप की चाहिए मेरे को ऐसा वाला. पर ये ना कैफे रेसर वाले हैं, कैफे रेसर में अच्छे लगते हैं. एलियन लग रहा हूँ, एलियन लग रहा हूँ, एलियन. भाई साहब ये दोनों रखी गई, एक है मैट में और एक है ग्लॉसी फिनिश में. वो जो एक टॉप मॉडल स्पेशल एडिशन है ना ब्लैक गोल्ड, और एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आती है वो है. तैयारियां चल रही हैं, अभी तक अनवील नहीं करी.
कालू डॉ हाँ भाई कालू ना लिया साले मलच्छी आदमी जी मेरे को दे दो यार तुम रख लो बड़ा आदमी रख लो कालू नया दिलवा देगा वो नहीं देगा हेलमेट दिला दे चश्मा नहीं देगा अब तो जी तो पुछते नहीं आइटम हो गया है ये पुछतों तक चलेगा जी बड़े बड़े यूट्यूबर आए वो भाई साहब वो पूरा सेटअप हो गया बस मैं भी ले लूँ एक एक्शन कैमरा 40,000 रुपये का गोप्रो आ रहा है 360 ले लो इससे वो 50,000 का आ रहा है मनी प्लांट घर पे लगा तोड़नी तो ऐसे निकाल ऐसे सट 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 लगता था मैं भी टीवी लगाने में घंटा लग गया अभी भी नहीं लगी शायद आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए वन ऑफ दी वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर रॉयल एनफील्ड जैसे कि हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए ब्लैक गोल्ड स्कीम की बुलेट जब ये टॉप एंड वेरिएंट है दो कलर तो भैया लॉन्च इवेंट अटेंड करके आ गए हैं थक गए बहुत ज़्यादा एक डेढ़ घंटा वो इवेंट लेट था दिमाग ख़राब हो गया बट ठीक है हो गया लॉन्च हाँ उस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू मतलब वॉक अराउंड रिव्यू मैंने बनाया है वो वीडियो इस ब्लॉग के बाद आ जाएगा तो उसको ज़रूर देखना अब घर आ गए थोड़ी देर पढ़ लेते हैं संडे आज पढ़ने का मन तो नहीं बट पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है कालू नॉन वेज खा ले घर पे नहीं बताऊंगा खाते नहीं तो बता अच्छा है मतलब खा ले खा ले मैं खाता नहीं अरे नहीं बताऊंगा तेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताऊंगा मैं खाता ही नहीं तेरे को ऐसा बोलना चाहिए था कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ये फंस गया सी है जोर जोर सबको स्कीम बताते लड़कियों के मैसेज चेक करने के लिए तुमको हॉटस्पॉट चाहिए शर्म नहीं आती नेपालन आंटी के मुंह में खा के आ रहा है अब भैया सोडा पियेंगे आज कौन सा सोडा मंगाया तुमने काला खट्टा काला नहीं तो बर्बरी काला खट्टा ड्रिंकिंग काला खट्टा डॉगी ड्रिंकिंग काला खट्टा हाँ तो भैया हुई रात शाम को थोड़े काम में बिजी हो गए थे अजय से मिल के आए उसके बाद थोड़ा घर का काम मिल गया इधर उधर भागना दौड़ना हो गया थोड़ा भैया के साथ चले गए घर के काम भाई सब तो टाइम नहीं मिला और वीडियो एडिट करा था जो उसका वॉक अराउंड रिव्यू है नई वाली बुलेट का मैंने वो एडिट करा तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया अच्छा हाँ मैं आज थोड़ी देर तक वहीं पर आना मैं आज शोरूम पे ही तो मेरे को ना वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम्स बहुत पसंद है जिस तरीके से उसको बनाते हैं या डेकोरेट करते हैं जो उससे ओल्ड स्कूल वाइब आती है मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है तो मैंने सोचा ये डीलरशिप लेने में पैसे कितने लगते हैं ऑल्दो सोचने के पैसे तो लगते नहीं है तो हमने थोड़ा रिसर्च करा तो पता चला
कि अगर आपको रॉयल एनफील्ड का शोरूम खोलना है तो आपकी खुद की 4,000 square feet की जगह होनी चाहिए, मतलब आपकी पर्सनल, आपके नाम की, किराए की नहीं चलेगी। उसके बाद उसके अंदर आपको सर्विस सेंटर बनाना पड़ेगा, शोरूम बनाना पड़ेगा, गोडाउन बनाना पड़ेगा, जो भी अमेनिटीज चाहिए होंगी सब बनाना, सब कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद आपको स्टाफ पहले हायर करना पड़ेगा, मतलब आप जब अप्लाई करने जाएंगे ना रियलटर के लिए, सारा जो भी स्टाफ होगा वो आपको हायर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तब आपको डीलरशिप मिलेगी। तो इस सब में नियर अराउंड 80-90 lakh का खर्चा आ जाता है। 4,000 square feet की जगह थोड़ी भी ठीक ठाक जगह पे भी होगी ना तो वो 2.5-3 crore से कम की तो नहीं होने वाली। महंगी बातचीत है, अपने मतलब की नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, लोग देखते हैं बिना देखे चले जाते हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कल इसका बुलेट का वॉक अराउंड रिव्यू आएगा, उसको ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।